जैसे महाराज हरि सिंह की देह थी, इन्होंने तोड़ के शासन की आत्मा में दुखी हो रही होगी कि कैसे कैसे नमूने हमारे जुड़ों में पैदा हुए। एक जमुन की बात कर रहे हैं, एक जमुन का सोलह करने आए हैं यहाँ पे, लूटने आए हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ ये सलाम मुश्किल कर रहे होते हैं यहाँ पे, क्या कौन सलाम लगाएगा बाहर जाकर, क्या सलाम जहाँ से जाके बाहर निकले, और जिनको कोई नहीं भेजता वो खुद ही आ जाएंगे, मुझे भी पकड़ के बाहर रखो, मैं टीवी में आऊंगा मुझे पकड़ लेंगे। ये लोग की हालत है, मैं बड़ी किया हूँ सर। दस साल पहले इन्होंने वादे किए थे, वादे थे तरक्की के। एक हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक पहाड़ी से कसवाया और जो भी मुझको दिया, कहा कि ये लोग पहाड़ी हैं और पहाड़ी स्वाद होते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि बड़ी के लोग अंग्रेज हैं क्या, वो कौन सी फारसी बोलते हैं। बड़ी के लोगों को पहाड़ी से कसवा नहीं मिला, बड़ी के लोग भी पहाड़ी हैं, वो भी पहाड़ी स्वाद बोलते हैं। अगर जो ही कुछ को मिल सकता है तो पहाड़ी स्टेटस बनी की डिजर्व करता है, मैं पहाड़ी स्टेटस की तुम्हारा का काम बनी के लिए। ये हमारे जी साहब, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ, उनकी पर्सनैलिटी मुझे बड़ी अच्छी लगी। उनकी तरह मैंने भी एक दिन वो शोर शोर डालने की कोशिश की थी, लेकिन टिका नहीं मिलेगा, वो शायद मीटिंग में करने का सीखता है। हमारे जी साहब ने बोलता बोला जी कि हमने हर सेक्टर में इतना कुछ किया, मैं आपके हर सेक्टर की पोल खोलूंगा, यहाँ पे बनी ना क्या हुआ। दस साल पहले इन्होंने वादा किया कि बनी के हर सेक्टर को सुधारा जाएगा। पिछले 10 साल से हमारे बनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक भी स्पेशलिस्ट नहीं, गाइड की पोस्ट वेकेंट है, पेडियाट्रिशियन की पोस्ट वेकेंट है, वास्तव में नहीं है। आज भी वहां से ले लिया, अगर वहां से कठुआ में ली जाती है तो वो या तो रास्ते में डिलीवर कर दी जाती है या तो रास्ते में उसका वॉशरूम हो जाता है। एक गाइड हुआ पिछले 10 साल से बनी को नहीं मिला, आज भी बनी उस चीज के लिए रो रहा है और ये वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े खूबे वादे करते हैं। एक भी कॉलेज है हमारे बनी में, मैं उसको लग रहा हूं पूरा कॉलेज बोल रहा हूं, वो इसलिए एक भी कॉलेज मिला हमारे बनी तस्वीर को, लेकिन उसमें भी सिर्फ आर्ट स्ट्रीम है, मेडिकल और नॉन मेडिकल कोर्स पास पढ़ा पढ़ा ना पढ़ाया जाता है ना बनी के उसको हाथ में वो मेडिकल और नॉन मेडिकल पास। क्या हम लोगों को आज भी पढ़ने के लिए जम्मू और कठुआ और भदवा जाना पड़ेगा? क्या हमारे बनी के लोग आज भी मेडिकल और नॉन मेडिकल की पढ़ाई वहां नहीं कर सकते? 10 साल पहले मैं लोही मुड़ा उडगा इंकलाब को एक डिग्री कॉलेज का वादा किया, बड़ी तारीफ बची, बड़े उद्घाटन हुए, रिबन कटे, लेकिन वो 10 साल से मुझे कॉलेज दिखाई नहीं हो गया था, वो दिखाई नहीं मिनिस्टर से जो कॉलेज है कहां पे उसका पता ही नहीं है। हमारे वहां पे एक जगह है जिसका नाम है कलेर, हमारे यहाँ पे सारे कोरे हैं कि कोई खंभे नहीं है, वहां है ही कुछ नहीं। वहां के लोगों ने अपने पैसों से खंभे लगाए बिजली के, अपने पैसों से तारे की और बिजली की तारे लगाई, और लास्ट में बिजली डिपार्टमेंट वाले से बिल ले लिया। वो भाई खंभे अपने नहीं लगाए, तारे अपने नहीं लगाए, लेकिन बिल आपको किस बात का देने हमको? ये हालत है हमारा, आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बिना सड़क के है, लोहाई मुलाकात सड़क नहीं पहुंच पाई। ये डिजिटल इंडिया के वादे को बर्बादी कर रहे हैं। कभी स्पीकर साहब मैं आपको उस इलाके में लेके जरूर जाऊंगा, कभी चलिएगा, और आपका फोन अगर वहां चल पड़ा तो मैं जम्मू कश्मीर नहीं छोड़ूंगा। वो किस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं? वो उतनी बड़ी किताब पढ़ी थी मैंने कोरोना साहब की, उसमें से मैंने बड़ा कुछ देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो हमारे बनी में। वो कहां पे है? या कश्मीर में है या दिल्ली में है, लेकिन बनी में नहीं। बनी में मुझे वो चीजें नहीं मिली। मैं अपने हर मिनिस्टर साहब के पास पहुंचा, मैंने जब उनके साथ ये बात की, ये भी हैरान थे सुन के कि आपने 10 साल तक ये गैनू को इसको नहीं बताया। मैं उनके साथ के पास अपने चीफ मिनिस्टर साहब के पास पहुंचा एक पॉलिसी बात लेके, और उनको कॉम्बिनेशन बताई। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैरान हो गए, क्या हो रहा है? हमारे एक एसडीएम था वहां से उठा लिया गया, हमारे बीडीओ में आपके ऑफिसर हमारे ब्लॉक में नहीं बैठे हैं, वो बिलावर में बैठे हैं। क्यों मैं नहीं जाना, किस वजह से मुझे नहीं पता। आज भी हमारे बनी के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन इनको क्या पड़ी है? टेबल तोड़ने और कुर्सियां तोड़ने। ये जो जम्मू की बात कर रहे हैं आज स्पीकर साहब, मैं आपको बोल देना चाहता हूं, ये जम्मू की आवाज नहीं है, ये जम्मू के दलाल है, दलाल, ये दलाली कर रहे हैं। आज अगर जम्मू को स्पेशल स्टेटस मिलता है तो यहां के लोगों की, यहां के बच्चों की नौकरियां बचेंगी, यहां की जमीनें बचेंगी,
आप यहाँ पे हमारे समुदाय खोलने की बात की जा रही है, लेकिन वो फाइव स्टार होटल खोलने की परमिशन किसको मिलेगी, वो ठेके किसको मिलेंगे, वो बड़े बड़े शेख आएंगे बाहर के, हमारी जमीन में कहते हैं पहाड़ का पानी और पहाड़ का जिस पहाड़ की जवानी पहाड़ियों के काम नहीं आती, तो ये बात यही है। हमारे वहां पे सेवा प्रोजेक्ट लगे हैं लेकिन काम करने वाले लोग बाहर के, बिजली जाती है बाहर, हमारे बने में लाइट नहीं है, सेवा प्रोजेक्ट के आस पास सड़क नहीं है, वहां के लोगों को पानी तक नहीं मिला, सारी बिजली बाहर जाती है, रोजगार बाहर हो जाता है। हमारा लिखा पढ़ा लिखा पहाड़िया जब वो पढ़ता है तो पढ़ने के बाद वो नौकरी कहां करने जाता है, दिल्ली में, और नौकरी भी क्या करता है, बोरियां उठाने की, पल्लेदारी करने की। कुछ दिनों पहले का मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं, हमारे वहां एक छोटी सी बच्ची 2 साल की ट्रांसफार्मर को हाथ लगाती है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, उसे हॉस्पिटल में भेजा जाता है, वहां से रेफर करते करते आज वो पीजीआई चंडीगढ़ में है और उसका 2 साल की बच्ची का हाथ काट दिया गया। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो 2 साल की बच्ची की हाइट कितनी होगी जो उस ट्रांसफार्मर तक पहुंचे, वो ट्रांसफार्मर कितनी हाइट पे रखा गया होगा कि 2 साल की बच्ची वहां पे हाथ लगा सके। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा उसका, वो जमीन पे रखा गया, वो ट्रांसफार्मर जमीन पे था, उसका हाथ लगा, और बिजली डिपार्टमेंट के लोग मुझे आ जाके तर्क देते हैं कि जनाब ये पीएमसीएसवाई का रोड था, उन्होंने करना था, यार ये ट्रांसफार्मर था के ऊपर रखते थे तो आज शायद बच्ची का हाथ कटने से बच जाता। और ऐसे कई एक ट्रांसफार्मर है जो जहां पे रोड साइड लगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा सर, मुझे किसी चीज पे नहीं बोलना, मुझे अपनी पढ़ी पे बोलना है। अगर मैं पढ़ी के लिए पुस्तक गया तो मैं समझूंगा कि मैंने हिंदुस्तान के लिए पुस्तक है, अगर मैं बनी के लोगों के लिए पुस्तक पाया तो समझूंगा कि मैंने अपना धर्म निभा लिया, मेरा धर्म मेरे बनी के लोग हैं और मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान मेरा बनी। और मैं सारे गांव से स्पेशली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मुझे बहुत उम्मीद है, मैं इनको अपना आइडल मानता हूँ, मुझे उनसे पूरी उम्मीद है, और जब मैंने इनको समर्थन दिया था तो उन्होंने मेरे से बात बोली थी कि डॉक्टर साहब आपकी बनी की तरक्की के लिए अगर मुझे बनी में बैठना पड़ेगा तो मैं बनी में।